अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आज हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि FW टेलर ने दिया है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखिए ये पॉइंट क्या कहता है कि हमें हर चीज़ को साइंस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ना कि नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब रूल ऑफ थंब का मतलब है जो हमें बताया गया है उसी के हिसाब से हमें काम करना है, वैसा नहीं करना है। हमें हमें साइंस के अकॉर्डिंग काम करना है, हमें पूरा सोच समझ के काम करना है, ना कि किसी ने कुछ चीज़ बताई आपको इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलेगी और आप वही चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको साइंस के हिसाब से पूरी चीज़ को सोच समझ के काम करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखिए टेलर कहता है कि कुछ भी काम करने के लिए, मतलब सपोज कीजिए, इसको आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12th में तो है अभी, ठीक है। अब क्लास 12th में एक पर्सन है मिस्टर अरुण और एक स्टूडेंट है मिस्टर राजू। तो ये दोनों जो स्टूडेंट है क्लास 12th में, तो अरुण 12th में अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए एक ट्रिक फॉलो करता है, वैसे राजू भी क्या करता है 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कोई अलग ट्रिक फॉलो करता है। तो दोनों अलग अलग ट्रिक फॉलो करता है, लेकिन एट लास्ट सपोज कीजिए कि राजू का आ गया 96% और सॉरी अरुण का आ गया 96% और राजू का आ गया 94%। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं अरुण ने कोई ऐसी ट्रिक फॉलो की होगी, एक ऐसी ट्रिक अपनाई होगी जिससे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, ठीक। तो मतलब ये प्रिंसिपल यही कहता है कि कोई भी काम, चाहे आप पढ़ाई से लेके या बिजनेस चलाने से लेके कोई भी काम आप करते हो, उसका सिर्फ एक बेस्ट वे होता है, एक अच्छा तरीका होता है, वो अच्छे तरीके को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अरुण ने क्या कर दिया था, ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेथड जो था उसने आइडेंटिफाई कर लिया था। उसको पता चल गया था कि भाई मैं 12th में इस तरीके से पढ़ूंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है। और उसने उसके हिसाब से काम कर दिया। तो इसने क्या कर लिया, उस मेथड को आइडेंटिफाई कर लिया और इसने अच्छे मार्क्स ला लिए। तो सेम चीज़ टेलर भी कहता है कि कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हो तो कोई भी काम करने का एक बेस्ट मेथड होता है जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। जैसे अरुण को एक अच्छा तरीका पता चल गया, उसने उस तरीके को फॉलो किया और इसका सबसे अच्छा नंबर आ गया, ठीक है। तो यही चीज यहाँ टेलर ने भी लिखी है, देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड जिससे आप कोई भी काम को अच्छे से पूरी एफिशिएंसी, मतलब एक अच्छा उस काम में एकदम टॉप कर सकते हो, ठीक। और वो मेथड को हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप मार्केट में उसकी प्रॉपर स्टडी एंड एनालाइज करेंगे, तभी जाके आप वो मेथड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। और जिस समय आपको वो मेथड आइडेंटिफाई हो गया तब जाके आप उस काम को एकदम अच्छे तरीके से कर पाओगे, एफिशिएंसी मैक्सिमाइज मतलब अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। दिस प्रिंसिपल्स एम्स एट फाइंडिंग ऑन द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म अ टास्क एंड टू इंक्रीज ह्यूमन एफिशिएंसी। सेम चीज है यहाँ पे मैंने लिखी है, ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि हमें बेस्ट मेथड फाइंड करना चाहिए कि जिसकी हेल्प से हम कोई भी टास्क को इजिली कंप्लीट कर पाए और जिससे कहीं ना कहीं ह्यूमन एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। सेम वही चीज है, ठीक। सेकेंड पॉइंट है हारमनी नॉट डिस्कार्ड। देखिए हारमनी नॉट डिस्कार्ड का क्या मतलब है, देखिए जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक, इन्हें कहीं ना कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है ना उसे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होता है। प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों चाहिए होता है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो हम मार्केट में ज़्यादा बेच पाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। इसलिए हर मैनेजर की इच्छा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। और वहीं पर वर्कर्स जो होते हैं, वर्कर्स को सैलरी या फिर वेजेस से मतलब होता है, ठीक। वर्कर्स को आप जो भी इम्प्लॉयज देखना हो उनको आए दिन सिर्फ अपने सैलरी की पड़ी रहती है या फिर अपने वेजेस की पड़ी रहती है, इंक्रीमेंट की पड़ी रहती है अपनी। इन अ प्रॉपर वे अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ तो इन्हें हमेशा इंक्रीमेंट से मतलब होता है। तो मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों के बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े होते हैं, ठीक। मैनेजर सोचता है कि वर्कर अपना काम अच्छी तरीके से नहीं करते और वर्कर सोचते हैं कि मैनेजर अपना काम अच्छे से नहीं करते, ठीक। तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच में आपस में हमेशा से हमेशा झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़े होते रहते हैं मैनेजर्स और वर्कर के बीच में। तो टेलर कहता है कि मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में हमें हारमोनी क्रिएट करनी है। हारमोनी मतलब,
एक तरीके का पॉजिटिव वर्ड है। हार्मनी मतलब एक तरीके का फ्रेंडशिप, ठीक है, एक तरीके का प्यार हमें मैनेजर्स और वर्कर के बीच में क्रिएट करना है। ठीक, तो टेलर ने क्या किया, एक सॉल्यूशन निकाला। टेलर ने सॉल्यूशन निकाला, उसने मार्केट में एक मेंटर रिवॉल्यूशन करके एक कंसेप्ट निकाला। इस मेंटर रिवॉल्यूशन के तहत अगर अगर इस मेंटर रिवॉल्यूशन को कोई भी फॉलो करेगा तो कहीं ना कहीं मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों के बीच में झगड़ा जो होगा वो कम हो जाएगा और हार्मोनी क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए मेंटर रिवॉल्यूशन है क्या, बोथ मस्ट चेंज देयर थिंकिंग। तो इस मेंटर रिवॉल्यूशन के कंसेप्ट में तो गाइस इसमें कुछ नहीं, बस जो टेलर है वो कहता है कि मैनेजर और वर्कर्स को अपनी थिंकिंग में, अपनी दोनों जो आपस में दूसरे के लिए थिंकिंग रखते हैं, मैनेजर जो वर्कर्स के लिए सोचता है और वर्कर जो मैनेजर के लिए सोचता है, ये दोनों को आपस में क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का अपना माइंड जो है वो चेंज करना चाहिए, दोनों को आपस में एक दूसरे के लिए। अब देखिए यहाँ पे टेलर कहता है कि अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे, आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो बट ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो वो कहता है कि अब मेंटर रिवॉल्यूशन में कि सारे वर्कर्स को प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए, उसके लिए उन्हें एकदम अच्छे तरीके से, वर्कर्स मस्ट परफॉर्म बेस्ट, मतलब वर्कर्स को एकदम अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। इससे प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इससे प्रॉफिट भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, जैसे ही प्रॉफिट उन्हें मिल जाएगा तो सारे मैनेजर्स को ये सारा प्रॉफिट को वर्कर्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर वर्कर्स अच्छी तरीके से काम करेंगे तो मैनेजर जो चाहता है प्रोडक्शन बढ़ाना वो इंक्रीज हो जाएगा, और फिर प्रोडक्शन अब जैसे इंक्रीज हो जाएगा तो वैसे ही प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो सारे मैनेजर जो होंगे वो वर्कर्स के साथ अपना सारा प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। तो अल्टीमेटली दोनों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेलर कहता है अपने मेंटर रिवॉल्यूशन के कंसेप्ट में, और यही चीज मैंने लिखा है, वर्कर्स मस्ट परफॉर्म बेस्ट, वर्कर्स को अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करना चाहिए, मैनेजमेंट शेयर गेन्स विद वर्कर्स। फिर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैनेजमेंट क्या कर देगा, वर्कर्स के साथ सारी गेन्स यानी सैलरी या वेजेस को शेयर कर देगा। सिंपल, ठीक है, इसे हम कहते हैं हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। अब देखिए जो अगला है हमारे पास, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये पॉइंट ये कहता है कि दोनों मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन का मतलब यहाँ पे दो तरीके से दिया गया है, मैनेजमेंट मस्ट कंसल्ट वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग। मतलब ये पॉइंट ये कहता है टेलर के हिसाब से कि मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नई चीज होती है तो डिसीजन मेकिंग में उन्हें क्या करना चाहिए, सारे वर्कर्स को भी शामिल करना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट मस्ट कंसल्ट वर्कर्स, मतलब कोई भी डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को वर्कर्स से भी कंसल्ट लेना चाहिए जो उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो भी वर्कर्स है उन्हें कभी भी स्ट्राइक में नहीं जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। ठीक है, जब एकदम जरूरी ना हो तो। ये बेसिकली ये पॉइंट इससे लिखाया गया आपको, ये दो पॉइंट, क्योंकि केस स्टडी में आपको ये पक्का पक्का दिखेगा। ठीक है, तो आप जब भी पक्का पक्का ये दिखेगा तो इसका समझ जाना है कि कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म को शो कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका ये पॉइंट ये कहता है टेलर के हिसाब से कि जो भी इम्प्लॉयज है इनका सिलेक्शन अच्छी तरीके से होना चाहिए, राइट सिलेक्शन, मतलब इनका सिलेक्शन अच्छी तरीके से होना चाहिए। अपने इम्प्लॉयज़ को हमेशा ट्रेनिंग इम्पार्ट, मतलब ट्रेनिंग बार बार देनी चाहिए सारे इम्प्लॉयज़ को। थर्ड पॉइंट में ये कहता है कि टेलर ये कहता है कि जो भी इम्प्लॉयज़ को आप रखोगे उन्हें उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें उनका वर्क देना, असाइंड वर्क एज पर देयर कैपेबिलिटी, उनकी जो कैपेबिलिटी है उनके हिसाब से उनको काम देना। फोर्थ पॉइंट है उन्हें टाइमली इनिशिएटिव, मतलब उन्हें बार बार मोटिवेशन देना। तो ये बेसिकली मोटिवेशन मतलब लालच देना, मतलब जैसे सपोज करना आपको कोई एम्प्लॉयज को काम करवाना है, ठीक, तो आप प्राइस में ऐसे रख सकते हो कि भाई जो ये काम को कर देगा उसको 1,000 रुपीज मिलेगा। तो इससे कोई भी इम्प्लॉय जो रहेगा ना वो बहुत मोटिवेट हो जाएगा उस काम करने को, उस वो काम को जल्दी से जल्दी करेगा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं टाइमली इनिशिएटिव। ठीक है, तो मैंने होपफुली आज आपके साथ
प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो एग्जाम्स में आपको केस स्टडी इसी के ऊपर ही घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुक रीडिंग ज़रूर कीजिए, और मैं हमेशा कहता हूँ आपको सारी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेगी। वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जाके आपको हमारे सारे चैप्टर्स पार्ट वाइज एकदम अच्छी तरीके से अरेंज किया हुआ मिलेगा, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं चलता हूँ गाइस, और आप सब से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।